क्या हुआ? नेट नहीं है, तो रेड हो गया है, चेंज करना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम होता है? नेट देख रहा है, 3 दिन से प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, एक नेट खराब होगा ना, तो देखेंगे सब रहता है वैसे ही। अच्छा, अब आ जाके क्या? अब आ रही आवाज? देखो यार, ये नेट इश्यू रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर रहा है आजकल। बड़ा करो, ठीक है? देखो अब तो, अब ठीक है? नीचे क्या लिखा हुआ है लड़के ने? अच्छा, धीरेंद्र क्या करो बेटा, अब सब चुराते हैं, कुछ नया लेके आओ। तुमको पता है मैं सुबह उठती हूँ, सुबह से लेकर अभी तक सिर्फ मटेरियल बनाती हूँ, और जानते हो बड़ा अफसोस होता है, फिर सारा का सारा मटेरियल, चाहे वो कैब हो चाहे ग्रामर हो, सब चोरी हो जाता है। मतलब अफसोस लगता है कि अपने हाथ से बनाया हुआ मटेरियल कोई भी कॉपी एंड पेस्ट मार के अपने बुक में डाल दिया है। अब मुझे तो लग रहा है ही पर चैप्टर का मुझे कॉपीराइट लेना पड़ेगा, जिस तरह से मैं बना रही हूँ ये तुरंत कॉपी एंड पेस्ट होगा, ये तो पर चैप्टर मुझे कॉपी एंड राइट पेस्ट कर, ये करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। चलो, वीडियो अब चल रहा होगा। अच्छा, आज पूरा दिन क्लास चला है, मिली आपका? बैकअप वीडियो का जो है ना, मैं देख रही हूँ बेटा, मैं देख रही हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो गया है, अधिकतर लोगों के तो नेट ही नहीं चलते, क्वालिटी बढ़ाओ तो बफरिंग करता है। अच्छा, ईयरफोन में देखो साउंड रिपीट कर रहा है मैम, ईयरफोन में साउंड रिपीट कर रहा है। रेड टेपिज्म बेटा लाल फीता शाही होता है, यानी गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज जब बहुत बढ़ जाती है ना, तब। आज राणा का बैच दिया, मुझे लगता है विद इन 1 वीक आ जाएगा। ठीक है, बोल रहा है ईयरफोन में एक ही कान में चल रहा है, बस मिस मैच हो रहा है, वॉइस वॉइस मिस मैच हो रहा है। देखो मेरा लिप, देखो बोलो ना। अच्छा, राणा का बैच दिया, अब मुझे लगता है विद इन 1 वीक आ जाएगा। ठीक तो है, ठीक है, बोल रहा है ईयरफोन में एक ठीक है। चलिए, मैंने आपको जो लास्ट क्लास में दिया करवाया था, मैंने अभी कह दिया है उसे, वो आपको थोड़ी देर में डाल दे रहा है। ठीक है, मुझे लगता है, देख लो, उसको बोल दो फटाफट डाल दीजिएगा। अच्छा, वो कैबलरी भी मंगा लो। चलो, बस आप लोग अब सब जो क्वेश्चन लिखना लिखते चले जाओ, मैं पढ़ाना शुरू कर रही हूं। ठीक है, चलिए देखो, 12th नंबर पेज में आओ। 12th नंबर पेज में मैंने आपको ये सारा दिया था, और उस समय साथ साथ मैं मीनिंग भी लिखवाते गई थी कुछ कुछ का, तो वो सारा मीनिंग हमने ऐड कर दिया है।
ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पेज पे और जरा देखो, गुड हो या गुडली हो, गुड हो या गुडली हो, दोनों ही एडजेक्टिव है, ध्यान से देखो, गुडली और गुड। हम लोग कहते हैं ना कि गुड यानी एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको यही सिखाया था कि देखो एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब बन जाता है, ये सिखाया था। लेकिन अगर गुड एडजेक्टिव है तो गुड में एल वाई लगाने पर वो तो एडवर्ब बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुड टेक्स एल वाई बट द फॉर्म ऑफ स्पीच रिमेन्स द सेम, ठीक है। इसलिए गुडली का मतलब अगर देखोगे तो गुडली का मतलब होता है वही सेम, अच्छा ही होता है। लिख सकते हो एक्सेलेंट या फिर अट्रैक्टिव जो इसका मीनिंग है, और कंसिडरेबल यानी कि ठीक ठाक, कंसिडरेबल इन साइज एंड क्वांटिटी। ठीक है, लाइक गुडली नंबर ऑफ पीपल, है ना। अगर आप नंबर की बात कर रहे हैं, गुडली नंबर ऑफ पीपल, इसका मतलब होता है कि ठीक ठाक, ठीक ठाक संख्या में। गुडली नंबर ऑफ पीपल हो गया यानी ठीक ठाक संख्या में। क्या हुआ? आवाज आ रही है? क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है? देखो क्या हुआ, मैसेज दिखाना बच्चों का तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यार। ऐसे एक दिन और हो चुका मंडे को, दोनों कान ड्रम की तरह बज रहे। क्या हुआ मनीष? यहां से इश्यू है, यहां पर ही हमारा नेट बिल्कुल रेड दिखा रहा है, तो कैसे करेंगे बेटा? लीड बाय द नोस, इसका मतलब होता है डोमिनेट करना, जैसे किसी का नाक पकड़ के ले जा रहे हो अपने साथ। इसका मतलब क्या है कि चुपचाप से आपके पीछे पीछे चल रहा है, डोमिनेटेड हो रहा है। क्या शुरू करें? चलिए देखो नेक्स्ट। मैंने कहा गुड एडजेक्टिव है, गुडली भी एडजेक्टिव है, ठीक है। और गुडली कोई एडवर्ब नहीं बन रहा है, जबकि पिछले क्लास में हमने कहा कि देखो एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब बनता है। भाई इंग्लिश में कहते हैं आप ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पढ़ रहे हो कि आप स्पोकन पढ़ रहे हो, स्पोकन पढ़ रहे हो इतना आता है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो तो इतना आता है, ये तो सामान्य वाक्य बातें हैं, इतना तो आना ही चाहिए। शायद आपको नहीं आता होगा ये सारी चीजें कि भाई स्ट्रेटली और फास्टली कुछ है ही नहीं। ही वॉक्स स्लोली, ठीक है, ही वॉक्स फास्टली गलत हो गया। ही वॉक्स स्लोली का मतलब हो गया वो धीरे चलता है, लेकिन फास्टली नहीं है वर्ड, क्योंकि ये जो फास्ट वर्ड है, अगर हम स्ट्रेट और फास्ट वर्ड देखें तो ये दोनों एडजेक्टिव भी हैं
और ये एडवर्ब भी, ठीक है, स्ट्रेट और फास्ट, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, ठीक है, क्लियर। अब आओ नीचे, सबसे पहले ये तीन सेंटेंस देखो, फिर आगे बताती हूं मैं, फटाफट देखो समझाती हूं। फर्स्टली है शशांक, अब सुनो ध्यान से, अब फर्स्ट सेंटेंस में आओ, ही हैज फ्यू, देखो फ्यू ठीक है, कैरेक्टर्स मतलब गुण होते हैं, नाउन है, प्लूरल नाउन है, ऐसा लगा है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा, लेकिन अगर हम इसमें कहें ही मस्ट बिहेव, बिहेव मतलब वर्ब, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा। अब देखो वर्ड हमने दिया है आपको दोनों में मैन, यानी मैन का एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए और यहां पे मैन का एडवर्ब फॉर्म चाहिए। अब देखो क्या है ध्यान से, मैन का एडजेक्टिव फॉर्म मैनली है, यानी मैन मतलब मर्द, तो मैनली मतलब मर्दों वाला, यानी उनमें कुछ मर्दों वाले गुण तो होने चाहिए ना, है ना, तो मैं कह रही हूं कि उसमें ना के बराबर मर्दों के गुण है, फ्यू अ फ्यू बाद में पढ़ोगे, अभी खाली इतना समझ लो, फ्यू का मतलब है ना के बराबर, यानी उसमें ना के बराबर मर्दों वाला गुण है, यानी कि आप उसको सीधा सीधा ना मर्द बोल रहे हो, लेकिन यहां पे मैं कह रही हूं कि यार उसे मर्दों की तरह तो बिहेव करना चाहिए ना, यहां पर मर्दों की तरह का मतलब हुआ करेज के साथ, यानी कि बिल्कुल हिम्मत के साथ, इसीलिए मैनफुली हुआ, ही मस्ट बिहेव मैनफुली का मतलब मर्दों की तरह, तो मैनली का मतलब हुआ मर्दों वाला, आगे लिखा हुआ था मैंने, और मैनफुली है मर्दों के जैसा, यानी कि हिम्मत के साथ, मर्दों के जैसा यानी कि हिम्मत के साथ, यानी एक कहते ना मर्द बनो, मर्द मनो का मतलब क्या है मर्द। अब देखो राहुल, अब मैं अभी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करो मुझे, क्योंकि तुम लोग मेरा रिदम बिल्कुल तोड़ते हो बार बार अननेसेसरी क्वेश्चन करके। अभी रुको, मर्दों के जैसा यानी कि उसका चाल ढाल, बोलने का तरीका, चलने का तरीका औरत की तरह, तो मैं कहूंगी कि उसमें मर्दों वाले गुण तो है ही नहीं, लेकिन यहां पे मर्दों की तरह बिहेव करो का मतलब है कि हिम्मत दिखाओ, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं थर्ड में, ही इज अ डैश ट्रेडर, तो मैं कहूंगी ही इज अ माइजरली ट्रेडर होगा, ऐसा क्यों भाई, नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, कहां है देखो तो जरा एडजेक्टिव, माइजरली नाउन में एल वाई लगाए तो माइजरली बना, ठीक है। अगर मैं कहूं चलो थर्ड में हम एक काम करते हैं, मैं आपको एक और सेंटेंस देती हूं यहां पे, और वो देती हूं ही इज अ डैश, और ट्रेडर नहीं दिया भाई, इसके बाद अगर लगाना है और मैं आपको ऑप्शन ऐसे ही माइजर दे रही हूं, तो देखो माइजर तो नाउन है जिसमें एल वाई लगाकर उसको एडजेक्टिव बनाया गया है, इसीलिए ए यानी आर्टिकल के बाद तो मुझे नाउन ही चाहिए, देखो आर्टिकल के बाद आपको नाउन ही चाहिए। एडजेक्टिव में ये अंतर है बेटा कि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और एडवर्ब क्या करता है फिर, एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब की विशेषता बताता है, इसलिए जहां पर भी नाउन की विशेषता बताने की बात है वहां पर मैं एडजेक्टिव लगा रही हूं, और जहां पे आपका वर्ब की विशेषता बताना है, ठीक है, वहां पे मैं सीधा स्ट्रेट अवे एडवर्ब लगा रही हूं, क्लियर। सो यहां नाउन है ट्रेडर, ट्रेडर की विशेषता बतानी है तो एडजेक्टिव, और यहां पे आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद तो सीधा नाउन आएगा, ठीक है।
अब आओ, यू शुड नॉट एक्ट. एक्ट मतलब वर्ब. वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है. जरा मैं देख लूं, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है. और निगार्डली एडवर्ब है, निगार्डली एडवर्ब तो नहीं है क्योंकि ये पूरा लिस्ट तो एडजेक्टिव का है. अब क्या करूं मैं, तो जो भी एडजेक्टिव एल वाई में खत्म होता है, अगर हम एडवर्ब बनाना चाहते हैं तो हमारे पास एक ही तरीका होता है, और वो होता है कि इन अ एडजेक्टिव मैनर, इस फॉर्म में बना दोगे तो एडवर्ब बन जाएगा. माइजर नाउन है पूजा, माइजरली एडजेक्टिव है. इसीलिए ध्यान रखना, ध्यान रखना. जरा इसका देखो, हेडफोन में वॉइस सही नहीं आ रहा. वो छोड़ो ना, कमल को बोलो ना सिर्फ, ठीक है. इसीलिए ध्यान रखना, आपको जो क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, आपको क्वेश्चन आते हैं स्कॉलर से, निगर्ड से, जिसका सिनोनिम ही माइजर है, ठीक है. उसके बाद निगर्ड, माइजर, स्कॉलर, कावर्ड, इससे क्वेश्चन आते हैं. ये कावर्ड, माइजर, निगर्ड और स्कॉलर से क्वेश्चन आते हैं. अगर आप एल वाई हटाओगे इन सब में तो सब नाउन बन जा रहा है, और एल वाई लगा रहे हैं तो नाउन में एल वाई लगाते हैं तो एडजेक्टिव बनता है. मिजरेबल तो अलग चीज है बेटा, वो तो कुछ और से बना हुआ है मिजरेबल, ठीक है. माइजर एडजेक्टिव का काम शशांक नहीं करेगा, माइजरली लगाना पड़ेगा. अब सुनो, नहीं होगा माइजर मर्चेंट, नहीं होगा. अब सुनो क्या, क्यों क्वेश्चन आता है, ध्यान से खाली सुनना. ही इज एन ऑनेस्ट ट्रेडर, बिल्कुल सही है. ही इज अ सिंसियर ट्रेडर, बिल्कुल सही है. ही इज अ माइजर ट्रेडर. इस पैटर्न पे लगाया हमने, मैंने कहा ही इज एन ऑनेस्ट ट्रेडर. ही इज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है. ही इज अ सिंसियर ट्रेडर, बिल्कुल सही है. लेकिन ही इज अ माइजर ट्रेडर, भाई माइजर नाउन है और ट्रेडर भी नाउन है. भाई नाउन में एल वाई लगा के पहले उसको एडजेक्टिव बनाओ, तब ना नाउन के साथ लगाओगे. तो माइजर ट्रेडर नहीं होगा, माइजरली ट्रेडर होगा, ठीक है. निगार्डली का मतलब होता है कंजूस, और वो एडजेक्टिव है. निगार्ड का मतलब ही होता है कंजूस, लेकिन वो नाउन है. कंजूस यानी निगार्ड नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, ठीक है ना. कहते ना वो कंजूस है और वो कंजूस आदमी है, हिंदी में के कारण आप इंग्लिश में आप कंफ्यूज कर रहे हो. मिजरेबल भी एडजेक्टिव है, लेकिन मिजरेबल एकदम अलग चीज है, दयनीय है, जिसका मतलब, ठीक है. बोलो. इसीलिए क्वेश्चन जिस तरह से आते हैं वो मैं बता रही हूं आपको, कि भाई निगार्डली एडजेक्टिव है, मुझे तो एडवर्ब चाहिए इस वर्ब की विशेषता बताने के लिए. वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए. निगार्डली एडजेक्टिव है, भाई पहले से ही एल वाई लगा हुआ है. अब पहले से एल वाई लगा हुआ है तो मैं फिर से डबल एल डबल वाई थोड़ी करूंगी, तो फिर करूं क्या. तो फिर सोचती हूं यार ऑनेस्टली कैसे बना. इन एन ऑनेस्ट मैनर, ऑनेस्टली. इन अ सिंसियर मैनर, सिंसियरली. इन अ पोलाइट मैनर, पोलाइटली. यानी इन अ एडजेक्टिव मैनर एडवर्ब. तो इन अ पूरा एडजेक्टिव ले ले, प्लस मैनर इज इक्वल टू एडवर्ब हो गया. इन अ स्कॉलरली मैनर, इन अ निगर्डली मैनर, इन अ कावर्डली मैनर, ठीक है. तो इसीलिए इस तरह से करके हम इनका एडवर्ब बना रहे हैं, क्योंकि भाई पहले से एलवाई लगा है, क्या करे. ही इज अ निगर्ड ट्रेडर, गलत है प्रिया. ही इज अ निगर्ड बोलो, या ही इज अ निगार्डली ट्रेडर कहो. बेटा नाउन प्रोनाउन तो नहीं, नाउन भी एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है,
लेकिन वो कुछ चुनिंदा नाउन ही हो सकते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में आएंगे तो एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर सकते हैं। उसी के चक्कर में तो माइजर मर्चेंट बोल रहे हैं हम, है ना, क्योंकि हमने वो जो पढ़ा ना यहां लागू कर रहे हैं। तभी तो मैं आपको क्या बोल रही हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से, स्पोकन और ऑब्जेक्टिव इंग्लिश दोनों अलग चीज है। अगर मैं कहूंगी यू नो ही इज अ माइजर मर्चेंट, यार मेरा फ्लो और मेरा एक्सेंट और मेरा प्रोनंसिएशन में ही आप मुक्त हो जाओगे और देखोगे ही नहीं कि मैंने रॉन्ग इंग्लिश बोला है, राइट। स्पोकन में आपका एक्सेंट प्रोनंसिएशन बहुत मैटर करता है, और ये जो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के मिस्टेक्स है ना, 100% मिस्टेक्स मैं कह रही हूं, सेम मिस्टेक हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले करते हैं, क्योंकि जहां पे आपके नॉर्मल इंग्लिश खत्म होते हैं वहां पे ये शुरू होते हैं। स्पोकन वाले कह रहे हैं, स्पोकन में कुछ बच्चे जो हैं वो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में भी एडमिशन ले लिए, कहते हैं मैम आपने तो टाका मार दिया स्पोकन में, आप तो नाउन कुछ भी नहीं पढ़ा है। बेटा मैं नाउन क्या पढ़ाऊं, नाउन में ऐसे ऐसे वर्ड्स है इसमें जो नाउन उनको पढ़ाऊंगी तो उनको जिंदगी में कभी यूज होने वाला ही नहीं है। एक सेकेंड रुकना, एक गोल्डन ला दो, कभी यूज होने वाला ही नहीं है। वो पढ़ाने के लिए हम लोगों ने देखा है, आज तक जिंदगी में जब तक नहीं पढ़ाया था तब तक हमने कभी यूज नहीं किया था। तो इसीलिए बेटा वो अलग चीज है, एशिया नाउन है, एशियन एडजेक्टिव है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, कैसे गलत हो गया बेटा, वंस ड्यूटी बिल्कुल सही है, ऑन क्यों लगाओगे, वन का वंस होता है। क्लियर, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई निगर्डली मुझे तो सही लग रहा है, क्यों भाई एडवर्ब में एलवाई लगता है, भाई एडवर्ब है पहले ये तो चेक करो। तो मैंने कहा लिस्ट देखो, एडवर्ब ना, एडवर्ब तो है ही नहीं, सॉरी एडवर्ब तो है ही नहीं क्योंकि ये तो एडजेक्टिव वाले लिस्ट में है, और नाउन में एलवाई लगकर एडजेक्टिव बना, यानी कि अगर एलवाई में ना लगाऊं तो इतना दूर तो बस खाली वो नाउन है। तभी तो कह रहे हैं ना आपको इंग्लिश में बहुत कुछ अलग देखना पड़ेगा। मीट, मार्केट में मीट नाउन है, यस आपको सही कह रहे हो विकास, आप सही कह रहे हो, लेकिन अगर आप कहोगे मीट मार्केट तो वहां पे मीट एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन माइजर मर्चेंट में माइजर यूज नहीं हो सकता क्योंकि वो माइजर का मतलब ही कंजूस है, और वो कंजूस नहीं है, कंजूस आदमी है, कंजूस महिला है, उसमें आदमी और महिला सब अंदर समाया हुआ है। तो आप ये नहीं कहोगे ना ही इज अ माइजर, यानी कंजूस आदमी है और मर्चेंट भी है, ऐसे तो बोल नहीं सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ो, देखो एक मिनट के लिए बेटा, मुखर्जी नगर में तो बुक्स अवेलेबल है लेकिन दुकान खुली है पहले, शायद यहाँ ऑल्टरनेटिव नहीं है हम लोग के पास, हम लोग तो बुक शॉप्स को दे दिए हैं। ओह सक्षम, प्लीज मुझे पेज नंबर बता दो बेटा, मुझे है ना आप पेज नंबर के साथ व्हाट्सएप कर दो सक्षम, मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल एरर फ्री रहे हमारी किताब, हमारे नोट्स, सक्षम प्लीज भेज दो पेज नंबर के साथ सक्षम। इन एन ऑयली मैनर होगा ना पारुल, अब ऑयली मैनर क्या होता है, हर वर्ड को एडवर्ब बनाने की जरूरत नहीं है ना, हाँ निगार्डली मैन तो लगाओगे ही, निगार्ड मैन मत लगाना क्योंकि निगार्ड और मैन दोनों नाउन है, स्लोली एडवर्ब है। अब आओ, अभी बताया यू शुड कम स्ट्रेटली वर्ब, यू शुड कम स्ट्रेटली कोई वर्ड ही नहीं है, क्यों, क्योंकि स्ट्रेटली कोई वर्ड ही नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सीधा मेरे पास आना, यू शुड कम टू मी, यू शुड कम स्ट्रेट टू मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम।
ही हैज फ्रेंडली नेचर, बिल्कुल सही है, नो एरर. क्यों? क्योंकि फ्रेंड नाउन है, एल वाई लगाया तो एडजेक्टिव बन गया. इस नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, हो गया. ट्रीटेड वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, लेकिन फ्रेंडली तो एडजेक्टिव है. अब फ्रेंडली एडजेक्टिव है तो मैं क्या